हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैकेनिकल इंजीनियर लर्निंग क्लब। आज हम हीट पाइप कंस्ट्रक्शन वर्किंग और एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे। व्हाट इज़ हीट पाइप? हीट पाइप ये एक क्लोज कंटेनर है जो कॉपर, एल्यूमिनियम या स्टेनलेस स्टील से बना होता है। बेसिकली ये हीट पाइप यूज़ होता है टू ट्रांसफ़र हीट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। उस पाइप के अंदर एक वीक स्ट्रक्चर रहता है। नाउ व्हाट इज़ वीक स्ट्रक्चर? वीक स्ट्रक्चर इज़ अ पोरस स्ट्रक्चर। ये पोरस स्ट्रक्चर लिक्विड को ट्रैवल करने के लिए यूज़ होता है। नीचे के डायग्राम्स में आप देख सकते हैं कि पोरस स्ट्रक्चर कैसा होता है। ब्लू एरोज में यू कैन सी दैट लिक्विड इज फ्लोइंग थ्रू द वीक स्ट्रक्चर। ये वीक स्ट्रक्चर अलग अलग मटेरियल से बना होता है। दिस मे बी मेड अप ऑफ स्टील, एल्यूमिनियम, निकेल, कॉपर और वेरियस अदर टाइप्स ऑफ पोरस मटेरियल्स। मतलब ये जो वीक स्ट्रक्चर है ये भी मेटल का ही बना होता है। उसके बाद ये जो हीट पाइप है इसको हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फ्रंट एंड, बीच में का पार्ट एंड रेयर एंड। बीच में के पार्ट को हम पूरी तरीके से इंसुलेटर से इंसुलेट कर देते हैं सो दैट बीच में के पार्ट से किसी भी प्रकार का हीट ट्रांसफर ना हो। जो पहला और आखिरी एंड रहता है उसको हम एज अ इवेपोरेटर और कंडेंसर यूज़ करते हैं। वी नो दैट इवेपोरेटर मतलब हीट एक्सचेंजर जो हीट एब्जॉर्ब करता है और कूलिंग इफेक्ट देता है, एंड ऑल्सो कंडेंसर मतलब द डिवाइस और हीट एक्सचेंजर जो हीट रिलीज करता है और जो वर्किंग फ्लूइड है उसको कूल डाउन करता है। दिस इज ऑल अबाउट द कंस्ट्रक्शन। नाउ लेट्स सी हाउ द हीट पाइप वर्क्स। यहाँ पर यू कैन सी दैट इवेपोरेटर साइड से हीट पाइप के अंदर फ्लो होती है सो दैट जो वीक स्ट्रक्चर में लिक्विड है वो वेपराइज हो जाएगा। वेपराइज होने की वजह से वो वेपर्स अपोजिट डिरेक्शन में फ्लो होना स्टार्ट कर देंगे जहाँ पर उनको स्पेस खाली मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि रेड कलर में जो लाइन्स है ये लाइन्स वेपर फ्लो शो कर रही है और जो ब्लू कलर की लाइन्स है वो लिक्विड फ्लो शो कर रही है। तो इवेपोरेटर से हीट एब्जॉर्ब करने के बाद जो वर्किंग लिक्विड रहता है वो कन्वर्ट हो जाता है वेपर में और वो वेपर दूसरे डिरेक्शन में फ्लो होती है। दूसरे डिरेक्शन में मतलब कंडेंसर साइड में वो फ्लो होती है। नाउ कंडेंसर का वर्क क्या है कि जो वर्किंग फ्लूइड है उसको कूल करना। सो कंडेंसर क्या करता है, जो भी यहाँ पर वेपर्स आते हैं ये वेपर्स का हीट बाहर के साइड में फेंक देता है सो दैट ये जो वेपर्स है ये कूल डाउन होके वेपर में से वापस लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये लिक्विड ये वीक से वापस एब्जॉर्ब हो जाता है। एब्जॉर्ब होने के बाद कैपिलरी एक्शन से थ्रू द वीक ये लिक्विड अगेन ट्रैवल करते हुए इवेपोरेटर सेक्शन में आता है। इवेपोरेटर अगेन हीट एब्जॉर्ब करता है और लिक्विड को वेपराइज कर देता है। अगेन ये वेपर्स कंडेंसर साइड में आते हैं, कंडेंसर साइड में वो कूल होते हैं और वापस उसमें लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं और इसी तरीके से ये साइकिल कंटिन्यूसली चलता है। नाउ इवेपोरेटर सेक्शन जो रहता है ये हॉट साइड में प्लेस रहता है सो दैट वो उस साइड का हीट एब्जॉर्ब कर लेगा और वर्किंग फ्लूइड को वेपर में कन्वर्ट कर देगा। और कंडेंसर जो रहता है वो कूल साइड में प्लेस रहता है सो दैट वो उसका हीट एटमॉस्फेयर में फेंक देगा और वर्किंग फ्लूइड को कूल कर देगा। इन दिस वे दिस हीट पाइप वर्क्स। नाउ ये हीट पाइप में जो वर्किंग फ्लूइड है वो कौन कौन से हो सकते हैं? जनरली इसमें हेलियम, नाइट्रोजन, अमोनिया, एसीटोन, मिथेनॉल, वाटर, मर्क्यूरी, सिल्वर ये मटेरियल्स यूज होते हैं। नाउ लेट्स सी द एडवांटेजेस ऑफ हीट पाइप। सो एज यू कैन सी इन हीट पाइप कोई भी मैकेनिकल और इलेक्ट्रिक पार्ट्स नहीं रहते सो इट डजेंट रिक्वायर मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इनपुट। बिकॉज ऑफ दैट अगेन द ऑपरेशन ऑफ द हीट पाइप इज वेरी साइलेंट, इट्स अगेन अ मेंटेनेंस फ्री, द ऑपरेटिंग कॉस्ट इज ऑलमोस्ट निग्लिजिबल फॉर अ हीट पाइप। अगर कुछ खराब हो जाता है या फिर कुछ वर्किंग फ्लूइड वर्क नहीं करता है तो हमको उसको रिप्लेस करना पड़ता है, दैट इज़ द ओनली ऑपरेटिंग कॉस्ट। एक बार हमने उसको इंस्टॉल कर देते कोई भी डिवाइस में सो बहुत सालों तक विदाउट एनी मेंटेनेंस वी कैन यूज़ दैट, एंड ऑल्सो एज नो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स वी आर यूजिंग एज अ वर्किंग फ्लूइड सो इट्स अ एनवायरमेंटल सेफ्टी। नाउ व्हाट आर द एप्लीकेशंस?
जनरली हीट पाइप से लैपटॉप के अंदर या फिर हमारे डेस्कटॉप के अंदर यूज़ होते हैं। अगर आप लोगों ने कभी देखा होगा तो मदरबोर्ड के पास जो कॉपर की ट्यूब्स लगाई रहती है वो सारी ट्यूब्स ऑलमोस्ट हीट पाइप का वो काम करती है। ये क्या करते हैं, जो प्रोसेसर में हीट रहती है उसको एब्जॉर्ब करते हैं और जहाँ पर हमारे लैपटॉप का फ़ैन या फिर डेस्कटॉप का फ़ैन रहता है वहाँ पर लाके वो हीट को छोड़ देती है और विद द हेल्प ऑफ दैट फैन वो हीट हम एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर देते हैं। सो इन दिस वे लैपटॉप और डेस्कटॉप में हीट पाइप्स यूज़ होते हैं। ऑल्सो हीट पाइप्स जो है वो स्पेस एप्लीकेशन में भी यूज़ होते हैं, क्योंकि स्पेस एप्लीकेशन में भी हमको लाइट वेट हीट एक्सचेंजर्स रिक्वायर्ड होते हैं जो बिना किसी मैकेनिकल पार्ट या इलेक्ट्रिक इनपुट के ऑपरेट हो और अच्छा इफिशेंटली वर्क करे। इन दिस वे हीट पाइप वर्क्स। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।